आइए देखते हैं आज अम्ल और छार एवं लवण के रासायनिक गुण। ठीक है, तो पहले हम जो है अम्ल और छार के रासायनिक गुणधर्मों पर चर्चा करते हैं। जो रासायनिक गुणधर्म जैसे पहला उदाहरण जो है अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अम्ल का धातुओं के साथ तो अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि धातु क्या होता है। ठीक है, जिससे हम क्रिया करें अम्ल क्या होता है। अम्ल के विषय में आपको बताया कि जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल का रहता है, लेकिन धातु, ठीक है, अम्ल का किसके साथ क्रिया कराना है, धातु के साथ क्रिया कराना। ठीक है, तो धातु क्या होता है, धातु के विषय में पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया जो चमकदार हो, जो कणीय हो, जो आकाशवर्धी रहता हो, ठीक है, ये धातु कहलाता है। लेकिन अब आवर्त सारणी में जो है धातु कहते हैं, अब उनकी पहचान कैसे करें, कौन से धातु, तो ध्यान दीजिए जो है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धनायन बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं आपके लिए धातु होते हैं। क्लियर हुआ होगा, जब आइए चलते हैं अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया कर, जैसे जिंक, जिंक क्या है धातु। अब इसको जो है अम्ल के साथ, इसके अंदर अम्ल का मतलब जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3CO, HCl अम्ल, ये आपके क्या है अम्ल। अब इसमें से किसी के साथ भी आप धातु के रूप में जिंक ले लीजिए, अब इसके साथ क्या है, जैसे हम पहले HCl के साथ इसका क्रिया करता है, HCl में जिंक को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, तो जब मिलाएंगे तो क्या ये होगा जो है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, जिंक के साथ Cl जुड़ जाएगा जो है, तो ये बनाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा जो है, मुक्त कर देगा, अर्थात हाइड्रोजन गैस को ये जो है बाहर। तो जब देखिए यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को जो है बाहर, अर्थात हाइड्रोजन गैस को जो है निकालता है। उसी तरह से भले कोई और भी धातु ले लीजिए, जैसे धातु में आपका जो है अब NaSodium को ले लिया जाए, ये भी आपका धातु है सोडियम। ठीक है, अब इसके साथ हम HCl की क्रिया कराते हैं, ठीक है, HCl की क्रिया कराते हैं, तो ये क्या बनाएगा जो है, ठीक है, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, और किसको बाहर कर देगा जो है, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा, अर्थात H2 को जो है ये बाहर कर देगा, बैलेंस करेंगे, HCl में 2 से गुणा करेंगे और NaCl में 2 से गुणा करेंगे, वसूल करेंगे जो है, क्योंकि आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आपको बताया गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस नियम में ये बताया गया कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखने, जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद बन रहे हैं दोनों के द्रव्यमान आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जब द्रव्यमान तो भी बराबर होंगे जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो हो वो आपस में बराबर,
परमाणु की संख्या जो है वो आपस में क्या हो जाए बराबर। इसलिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए एक निश्चित संख्या का प्राप्त है, जैसे हाइड्रोजन है दो हो गया जबकि हाइड्रोजन एक है, इसलिए दो का पूरा कर आपके उत्पाद के बराबर किया गया है, ठीक है। उसी तरह से जब दो से पूरा किए तो सीएम बढ़ गया, तो सीएम उत्पाद के बराबर करने के लिए दो से पूरा किए और यज्ञ की संख्या बढ़ गई इसलिए यज्ञ को बराबर करने के लिए दो से पूरा कर दिया गया। उसी तरह से हमें जेड एन का आपका यश को सल्फ्यूरिक के साथ क्या करा दीजिए सल्फ्यूरिक, ठीक है। तो इसकी जो क्रिया हम जेडियन के साथ कराएंगे तो ये बनाएगा क्या जिंक सल्फेट जेड एन एसओ फोर और हाइड्रोजन गैस भी क्या कर देगा जो है बाहर, हाइड्रोजन गैस भी जो है बाहर। उसी तरह से जब जेड एन का हम जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करें HNO3 के साथ क्रिया करें तो ये क्या करेगा जो है ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट, ये बनाएगा जो है जेड एन एन ओ थ्री कार्बोइस प्लस हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर देगा जो बाहर, हाइड्रोजन गैस को बाहर। तो सभी अभिक्रियाओं से क्या स्पष्ट हो रही है, सभी अभिक्रियाओं से यही स्पष्ट हो रहा है कि जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है, जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है तो किस गैस को बाहर करता है हाइड्रोजन गैस को बाहर करता है, हाइड्रोजन गैस को जो है मुक्त कर देता है। उसी तरह से आपका जो है कोई अम्ल जैसे अब कोई धातु और ले लिया जाए और धातु की आवश्यकता जो है जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया जो अब मैग्नीशियम का जो है CH3COOH ऐसे साथ क्रिया करा जाएगा जो है एस थ्री कमरे के साथ क्रिया करा जाएगा जो है तो ये क्या बनाएगा जो है, ठीक है, क्या बनाएगा यहां से हाइड्रोजन या मैग्नीशियम जो धातु है यहां से हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर देगा जो है मुक्त कर देगा अर्थात ये बाहर कर देगा, तो ये बनाएगा जो है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH का ट्वाइस ये हो जाएगा एम थ्री प्लस हाइड्रोजन गैस को यहां से मुक्त कर हाइड्रोजन गैस को बाहर बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करेंगे जो है दो से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये बराबर है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि एम जी के साथ सी एस थ्री सी डबल ओ ट्वाइस क्यों लिखें दो क्यों लिखें, इसीलिए लिखा गया क्योंकि आप उनको पिछली कक्षा में बताया गया था संयोजकता, अर्थात जब किसी अणु सूत्र या आणविक सूत्र को लिखते हैं तो आणविक सूत्र को लिखते समय हमें जो है प्रत्येक परमाणु की संयोजकता जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है ट्वाइस लगाया, क्लियर हो गया जो है। तो इसी तरह से जब आपका जो अम्ल धातुओं के साथ जो कोई भी अम्ल जो धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा ये बाहर कर देगा मुक्त कर देगा अर्थात उसको निकाल देगा। आइए अगले पॉइंट में चलते हैं जो है ये अगले पॉइंट देखते हैं अम्ल का धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, ठीक है। तो अम्ल का किसके साथ क्रिया कराना है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराना, ठीक है। जब देखते हैं कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब यह संयोग होता है तो इससे क्या बाहर निकलता है, जैसे अम्ल अम्ल में कोई भी अम्ल ले सकते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया मैंने जो, और इसको पहले किसी क्रिया कराने धातु कार्बोनेट के साथ किया, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ भी क्रिया करा दिया जाए, ये क्या होता है धातु कार्बोनेट मतलब की कार्बोनेट के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए धातु जुड़ा होना चाहिए तो इसे क्या कहा जाएगा जो है धातु कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 तो CO3 कार्बोनेट जो उसके साथ सोडियम धातु जुड़ा हुआ है
ये हो गया Na2CO3। अब इसके साथ जब आपका जो है सोडियम कार्बोनेट क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो ध्यान दीजिए जब Cl के साथ सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करानी है तो HCl ध्यान से जो यहाँ से Na होगा वो किसकी तरह जुड़ के क्या बनाएगा, जो है ये बनाएगा आपका जो है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा जो है सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा जो है जल बनाता है अर्थात H2O बनेगा। और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को क्या कर देगा जो है बाहर कर देगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर कर देगा। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण क्या बनता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है मुक्त कर देता है अर्थात बाहर कर देता है। क्लियर, उसी प्रकार से या दूसरे जैसे H2SO4 H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का जैसे धातु कार्बोनेट ठीक है जैसे Na2CO3 के साथ भी क्रिया करा दे रहे हैं इसकी जो है ठीक है Na2CO3 के साथ क्रिया करा दिया तो ये क्या बनाएगा पहले जो है तो ये ध्यान दीजिए SO4 से Na जुड़ेगा तो ये बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट ठीक है। और यहाँ से जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा जो है H2O अर्थात जल बनाएगा और यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देगा जो है बाहर कर देगा अर्थात मुक्त कर देगा। तो जब अम्ल का धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त कर देती है अर्थात बाहर कर देती है। क्लियर हुआ जो है, उसी तरह से आप अम्ल का जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करा तो अम्ल का किसके साथ क्रिया करा जाए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराया जाए देखिए तब क्या होता है जो है ध्यान दीजिए अम्ल जैसे में HCl ले लीजिए जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किसके साथ क्रिया कराया जाए जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो धातु हाइड्रोजन जैसे NaHCO3 धातु के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपका क्या है धातु, यह धातु है फिर हाइड्रोजन फिर उसके बाद आपका कार्बोनेट अर्थात इसका नाम लिखेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, यह भी आपका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जब अम्ल का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तब यह क्या बनाएगा तो यहाँ से Na जो है वह Cl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा लवण बनाएगा अर्थात NaCl सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद जो है यहाँ से हाइड्रोजन जो है वह किसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा जो है हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तो क्या बनाता है जल बनाता है अर्थात यह बनाएगा आपका जो है H2O अर्थात जल बनाएगा। और यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी जो है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकल जाएगी। तो इससे भी क्या स्पष्ट हुआ जो है आपको कि जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ही क्रिया करेगा तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देगा जो है मुक्त कर देगा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर कर देगा। स्पष्ट हुआ जो है ठीक है। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं, चलो अगले पॉइंट पर देखते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया। ठीक है, जैसे अम्ल में ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड
ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा, तो यहाँ से यह ने जो है सीएल के साथ क्रिया करके लवण बनाएगा, अर्थात यह ने सीएल सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से हाइड्रोक्सी समूह हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाएगा यहाँ जो है अर्थात एच टू ओ। तो क्या स्पष्ट हुआ कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका जो है लवण और जल, ठीक है, बनाता है। क्रिया क्या बनाता है, अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है लवण और जल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हम समझेंगे, समझ में आ गया होगा जो है। अगले वीडियो में पुनः इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद।